एक सवाल पूछे? हाँ पूछो। हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? अरे बेवकूफ, हाथी फ्रिज में नहीं आ सकता। मास्टर जी, फ्रिज बहुत बड़ा है। ठीक है, पहले फ्रिज खोलेंगे और हाथी को अंदर डाल देंगे। एक और सवाल पूछूं मास्टर जी? हाँ पूछो। गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? पहले फ्रिज खोलेंगे और गधे को भी उसमें रख देंगे। गलत जवाब। पहले हाथी को बाहर करेंगे, फिर गधे को फ्रिज में रखेंगे। एक और सवाल पूछूं मास्टर जी? एक और। हाँ हाँ, क्या बचा है वो भी पूछ लो। बंदर के जन्मदिन की पार्टी में सभी जानवर और जीव जंतु आए, लेकिन एक जानवर नहीं आया। वो कौन सा जानवर है? शेर नहीं आया होगा, क्योंकि वो आता तो सभी को खा जाता। फिर गलत जवाब। गधा पार्टी में नहीं आया, क्योंकि गधे को तो हमने फ्रिज में बंद कर दिया था। एक और सवाल पूछूं मास्टर जी? ये वाला लास्ट रहेगा, बस एक और। ठीक है, बोल हरामजादे। रास्ते में एक नदी है जिसमें एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है, और उस नदी के ऊपर आने जाने के पुल भी नहीं है। आप नदी कैसे पार करोगे? मैं नाव लेकर नदी पार करूंगा। फिर गलत जवाब। तो तुम बताओ कैसे? मास्टर जी, इतनी जल्दी नाव कहाँ से मिलेगी? तब तक तो आप नदी तैर कर भी पार कर लोगे। मगरमच्छ से तेरा बाप बचाएगा। मास्टर जी, आपकी इतनी फटती क्यों है? आपको तो पता है सभी जीव जानवर बंदर की पार्टी में गए हुए हैं, तो मगरमच्छ नदी में कैसे आएगा? आज तो तू गया बेटे, पहले ये बता कल स्कूल क्यों नहीं आए? मास्टर जी, गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। किस लिए? यस सर। मैंने पूछा किस लिए? लिए सर, बहुत लिए, मजा आ गया, कसम से बहुत मजा आ गया। अरे जंगली जानवर पढ़ाई वढ़ाई भी करता है? हाँ सर, करता हूँ ना, पढ़ाई करता हूँ। रुक जा, इस श्लोक का अर्थ बता। कर्मण्य वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जल्दी बता इसका अर्थ। हाँ पता है, मुझे पता है इसका अर्थ, मुझे पता है। तो बता जल्दी। राधिका शायद रास्ते में फल बेचने का काम कर रही है, यही है इसका अर्थ। अरे मूर्ख जड़ बुद्धि, ये इसका अर्थ नहीं है। चल कोई और सवाल पूछता हूँ, उसका अर्थ बता। ठीक है मास्टर जी। बहुनी में व्यतितानी जन्मानी तव चार्जुन। जल्दी इसका अर्थ बता। हाँ मास्टर जी, इसका अर्थ मुझे पता है। बता जल्दी। इसका अर्थ है, मेरी बहू के कई बच्चे पैदा हो चुके हैं, सभी का जन्म चार जून को हुआ है। मास्टर जी, मैंने ठीक कहा ना? हरामखोर, निकल जा मेरी क्लासरूम से। बच्चों, क्लास में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ मास्टर जी, आपने एकदम ठीक कहा, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये समझदार बच्चा लगता है मुझे। हाँ तो बेटा बताओ तो, क्लासरूम में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करनी चाहिए? जी सर, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। बैठ हरामखोर। बच्चों बताओ, 1869 में क्या हुआ था? सर, गांधी जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही, बैठो नीचे। अब कालू तुम बताओ, 1872 में क्या हुआ था? सर, इस साल गांधी जी 3 साल के हो गए थे, मैं बैठू क्या सर? तुम बैठो ना, तुम मरो कहीं जाकर। अच्छा बच्चों बताओ, अकबर कौन था? सर मैं बताऊँ, मुझे आता है। हाँ बताओ। सर अकबर गे था। क्या तुम पागल हो गए हो? बताओ ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर हम सब ने सुना है, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट, इन सब में सब लड़का और लड़की थे, लेकिन बस केवल अकबर और बीरबल थे जिसमें दोनों ही लड़का है सर। वो कौन सा पंछी है जो सबसे तेज उड़ता है? सर हाथी। नालायक, हाथी उड़ता है? बता तेरा बाप क्या करता है? सर दाऊद के गैंग में शूटर है। शाबाश बेटे, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। सब लिख लो बच्चों, हाथी सबसे तेज उड़ता है। अच्छा कालू, ABC सुनाओ। हाँ सर सुनाते हैं, ABC। और सुनाओ। हाँ सर, और सब बढ़िया है, आप सुनाओ।